गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो ये आपकी क्लास है दैट इज फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर। ओके, तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे कि जो भी आपकी इनलैंड वाटर बॉडीज़ हैं, इनलैंड वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, आपके रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए और रिजर्वॉयर्स हो गए, तो इन सब में किस टाइप के बोट्स और जो नेट नेट होते हैं, जो गिल सॉरी जो फिशेस को कैच करने के लिए जो है वो किस टाइप के यूज़ होते हैं। तो अगर हम दो वाटर बॉडीज़ आपने पढ़ी हैं, जैसे कि एक मरीन वाटर बॉडी है और दूसरी इनलैंड वाटर बॉडी है, तो अगर हम मरीन वाटर बॉडी की बात करें तो मरीन वाटर बॉडी काफ़ी लार्ज होती है। हाँ, वहाँ पर जो आपके जो क्राफ्ट हो गए जो बोट्स हो गए वो काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेट किए जाते हैं और उस पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है। इन द सेंस मतलब कि जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स कौन से होते हैं, जो भी फिशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, जो उस बोट पर मौजूद हैं, तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे उनके रहने के लिए हो गया, ओके, उनके फूडिंग का उस पर वहाँ पर फैसिलिटी होती है। सेकंड थिंग चीज़ है कि क्या होता है, जो भी मरीन एरियाज़ में या फिर फिशिंग होती है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है। कभी कभी फिशरमैन होते हैं वो महीनों महीनों तक जो है समुद्र में रहते हैं, तो महीनों तक अब समुद्र में रहेंगे, वहां पर फिश को कैच करेंगे, तो क्या होगा कि फिश के स्पॉयल होने के काफी ज्यादा मतलब चांसेस क्या मतलब फिश स्पॉयल होने ही लगेगी इतने ज्यादा समय तक रहेंगे। तो फिश को स्पॉयल होने से बचाने के लिए जो है प्रिजर्वेशन के लिए वहां पर बड़े बड़े फ्रीजर्स रखे जाते हैं। तो ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मरीन फिशरीज़ में जो है यूज़ होती हैं। और अगर हम इनलैंड वाटर बॉडी की बात करें तो वहाँ पर जो भी आपके गियर्स या फिर क्राफ्ट यूज़ होते हैं वो इन कंपैरिजन टू मरीन क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं वो। हाँ, क्यों? क्योंकि जो भी फिशरमैन होते हैं वो अगर रिवर में भी फिश कैच करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, हार्डली जाते हैं, जैसे 3, 4 या फिर 5 घंटे के लिए गए। तो ऐसे समय में जाने, 4, 5 घंटे के लिए जाने के लिए क्या है, कोई फूड की व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि फिश जल्दी स्पॉयल होने लगती है, तो कुछ आइस बॉक्स और ये सब लेके जा सकते हैं, ला जाते हैं, जिससे कि फिश को जो है स्पॉयल होने से बचाया जा सके। ओके, तो ये जो है आपका एक कंपैरिजन हो गया कि जो भी आपके फिशिंग होती है मरीन एरिया में, उसमें जो है बड़े बड़े ट्रॉलर्स और बड़े बड़े जो है बाकी काफ़ी बिग साइज़ के नेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? जो आपकी कैचिंग एफिशिएंसी है बढ़ाने के लिए, कि कम एफर्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस को कैच किया जा सके। वहीं पर अगर हम इनलैंड वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपके क्राफ्ट और गियर्स यूज़ होते हैं वो इन कंपैरिजन टू मरीन एरिया छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कैचमेंट एरिया भी है वो शैलो होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि जो भी आपकी ड्रिफ्टिंग होती है वो भी कम होती है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है कि अब ये क्राफ्ट और गियर्स जो है होते क्या हैं। सो जैसे कि यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, क्राफ्ट या फिर बोट्स, इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर फिशिंग ऑपरेशंस कैरिंग द क्रू एंड फिशिंग गियर्स। ओके, तो मतलब क्या है, मेनली बोट्स होते हैं, जो बोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है क्रू के लिए। क्रू कौन होते हैं? जो भी फिशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो उस बोट पर मौजूद हैं, वो पूरा जो है वो क्रू हो जाता है, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और जो भी फिशेस कैच करके लाई गई हैं बोट पर, उनको रखने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये आपके क्या हो गए, मेनली जो क्राफ्ट होते हैं वो बोट्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बोट्स क्या थे, ये दो टाइप के यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज नॉन सर क्रू क्या क्रू 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 मैंने बताया ना कि जो जो भी आप जैसे बोट एक आपकी है, ओके, तो उस बोट पे जो भी लोग हैं जो कि फिशिंग एक्टिविटी में किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो उनको एक क्रू कहा जाता है। ओके, यस सर। या तो जो आपके बोट्स हैं वो दो टाइप के कैटेगराइज किए गए हैं। फर्स्ट इज नॉन मैकेनाइज्ड, जिसमें कि किसी भी मशीन का यूज नहीं किया जाता है। सेकंड इज मैकेनाइज्ड, जिसमें कि मशीन्स का यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपके बोट्स हो गए। सेकंड है नेट्स और गियर्स, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर कैचिंग फिशेस। मतलब नेट्स क्या है कि जो फिशेस को कैच करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके नेट्स हो गए, जाल हो गए। ओके, आगे इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के जाल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं वाटर बॉडी में फिशेस को कैच करने के लिए। सो फर्स्ट अगर हम क्राफ्ट और बोट्स की बात करें तो क्या है कि एक बोट होती है जिसे कि कहते हैं कॉरल।
कॉरिकल सॉरी। सो क्या होता है कि यहाँ पर आप जैसे एक डेफिनेशन दे सॉरी ये पिक्चर देख रहे हैं, आप लोगों ने ये पिक्चर पहले भी कई जगह देखी होगी, मूवीज़ में या फिर कहीं बुक्स में या कहीं देखी होगी। ओके तो इसमें क्या होता है, सिंपली ये एक जो क्या कहते हैं हाफ सर्कुलर शेप होता है, और इसको जो है रस्सियों से जो देख रहे होंगे आप, इसमें स्ट्रिप्स लगी हुई, इन स्ट्रिप्स को बुना जाता है और नीचे जो है एक प्लेटफॉर्म लगाया जाता है जिससे कि पानी अंदर से जो है बाहर नहीं आ पाता है। तो इस टाइप से एक नाव बनाई जाती है, लोकली यूज़ की जाती है, इसमें जो है इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन और फिश कैच के लिए। सो देख रहे होंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरिकल्स आर दी डोमिनेंट क्राफ्ट इन साउथ इंडियन रिजर्वर्स, मतलब साउथ इंडिया जो है हमारा, वहाँ की जो भी रिजर्वायर्स है वहाँ पर मेनली ये यूज़ किया जाता है। ओके इसका जो माउथ होता है ये वाइड होता है, चौड़ा होता है, सर्कुलर होता है, और इसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है। ओके अगर इसके डायमीटर की बात करें तो एन एवरेज जो है 3.6 मीटर का इसका डायमीटर होता है। सेकेंड अब इसमें क्या है, किस किस टाइप के हम गियर्स या फिर नेट्स यूज़ करते हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ फिशिंग गियर्स इंक्लूडिंग गिल नेट, शोर नेट, लॉन्ग लाइन कैन बी ऑपरेटेड। ओके इस टाइप के जो आपके फिशिंग गियर्स हैं ये इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंड है कि मैंड बाई टू फिशरमैन, मतलब कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोड नहीं ले सकता है तो दो फिशरमैन हो गए विथ 4 to 5 गिल नेट्स, और या फिर कोई जो भी आप और भी जो नेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो जैसा फर्स्ट लाइन में आपने देखा था कि मेनली ये यूज़ हो रहा है साउथ इंडिया के रिजर्वॉयर्स में, अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर मेनली यूज़ होता है। सो यहाँ पर है जैसे कि आप देख सकते हैं कि तुंगभद्रा कर्नाटका में, मैतूर तमिलनाडु एंड नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो रिजर्वॉयर्स हैं मेनली उनमें जो है ये कोरिकल जो क्राफ्ट है ये यूज़ किया जाता है। सेकेंड है आपका रेफ्ट हो गया। ओके अब रेफ्ट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं कि कुछ बैम्बू या फिर जरूरी नहीं है कि बैम्बू, कोई भी अगर वुडन मटेरियल है जो कि पानी पे फ्लोट कर सकता है, तो क्या है उन वुडन मटेरियल्स को पीसेस में इस टाइप से जोड़ते हैं जिससे कि वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके और फिर उसके हेल्प से जो है हम रिवर या फिर कोई भी रिजर्वायर हो गया वहाँ पर जाते हैं फिशेस को कैच करने के लिए, या फिर इसका यूज़ कई बार जो है ट्रांसपोर्टेशन में रिवर्स में, जैसे एक रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने के लिए किया जाता है। तो फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर वाटर। ओके नेक्स्ट है इसमें एब्सेंस ऑफ हल। अब हल क्या होता है, आप लोगों ने जो एक बोट का स्ट्रक्चर देखा होगा नॉर्मली, जैसे मान लीजिए कि ये एक बोट है। ओके ये बोट है, इसमें जो उठा हुआ पोर्शन है ऊपर की तरफ उठा हुआ, ओके इसको हल कहते हैं। ठीक है ये हल एरिया हो गया। तो क्या है इसमें, अब देख रहे हैं कि इसमें तो कोई उठा हुआ पोर्शन ऊपर को नहीं है। ओके ये तो पूरा फ्लैट है, तो क्या है इसमें हल जो है एब्सेंट रहता है। देन रेफ्ट्स आर यूजुअली केप्ट अफ्लोट बाई यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयंट मटीरियल। बॉयंट मटीरियल मतलब जो ऐसा मटीरियल जो पानी का जो सरफेस है उस पर फ्लोट करे, तो उसको यूज़ करते हुए जो है इनको बनाया जाता है। मोस्टली ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, वेस्ट बंगाल, साउथ बिहार एंड तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो ये मेनली तीन आपके स्टेट्स हो गए जो वेस्ट बंगाल, साउथ बिहार और जो तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर इसका जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका कैटामेरॉन्स। अब कैटामेरॉन्स क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिगर है कैटामेरॉन्स की, इसमें क्या होता है कि दो जैसा कि आप देख सकते हैं आगे में जो है दो वुडन के फ्रेम्स हैं, और उन फ्रेम्स को कैसे ज्वाइंट किया गया है उसके ऊपर एक और फ्रेम रख करके, हाँ वो जो उस दोनों फ्रेम के ऊपर में जो तीसरा फ्रेम रखा गया है वो बाकी के दोनों जो फ्रेम्स हैं उनको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। हाँ तो इस तरीके से ये बोट बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, बाकी प्रोपेलर्स भी होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये आपकी हो गई कैटामेरॉन्स। ओके इसका क्या है कि इन्वेंटेड बाय द एस्ट्रोनियंस पीपल्स विच इनेबल देयर एक्सपेंशन। जो लोग मतलब समुद्र के रास्ते जो खोज करने के लिए जाते थे ना अलग अलग दूसरे देशों का, कंट्रीज का मेनली जो है वो लोग इसका यूज़ करते थे।
formed by a few curved logs of wood joined together forming a kind of floating raft. जैसा मैंने बताया ना कि नीचे जो दो वुडन के लॉग्स हैं उनको उनको ज्वाइन किया जाता है. कैसे ज्वाइन करता है? ऊपर से एक और जो है प्लेटफॉर्म दे करके, और वो प्लेटफॉर्म क्या है, एज अ बेस काम करता है. जो भी क्रू मेंबर्स हो गए उनके रहने के लिए, या फिर अगर फिश को हमने कैच किया तो फिश को उस पर रखने के लिए. ओके सो अगर हम बात करें कि इंडिया में इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मेनली आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओके यहाँ पर जो है इन 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 स्टेट्स में जो है इनका मेनली यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आपकी बोट आ गई डग आउट कैनोज. ओके डग आउट कैनोज क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये डग आउट कैनोज है, और नाम से भी काफ़ी क्लियर है कि डग आउट मतलब कि कोई भी जैसे लकड़ी का बड़ा लट्ठा हो गया उसको क्या होता है, उसको खोद खोद के इस बोट के शेप में बनाया जाता है. हाँ, और फिर उसको जो है एज अ बोट यूज़ किया जाता है. तो जैसा आप फिगर में आप देख रहे हैं कि इसको जो है खोद खोद के या फिर इसको जो है इस शेप में लाया गया है जिससे कि पानी पे फ्लोट कर सके. सो इसका क्या यूज होता है, इसका मेनली जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होता है, दिस इज ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट मेड बाय स्कूपिंग लॉक्स ऑफ वुड इन द फॉर्म ऑफ बोट, मतलब कि जो लकड़ी के लॉक्स होते हैं उनको स्कूप करके जो है बोट शेप में लाया जाता है. ओके अब क्या है कि कहाँ कहाँ जैसे यूज़ होता है, तो ऑडम्स थोनीज एंड वेंचीज ऑफ द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है. उसके अलावा वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है. ओके नेक्स्ट आपकी बोट्स आ गई, जैसे ये है आपकी प्लैंक बिल्ट बोट. प्लैंक बिल्ट बोट क्या होती है, यहाँ पर आप एक फोटो पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या है कि ये जो है प्लैंक क्या होता है, मतलब लकड़ी के जो क्या कहते हैं प्लैंक्स होते हैं ना, जो जिनको कि अलग अलग सेपरेटली बनाया जाता है, क्या होता है उन प्लैंक्स को अलग अलग जोड़ करके जो है बोट का फॉर्म दिया जाता है. जैसे कि आप ये फर्स्ट फिगर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है एक लकड़ी का जो है वुडन बोट है, और अगर हम इसको जूम करें तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम ऊपर वाला पोर्शन देखें तो फर्स्ट प्लैंक हो गया, नीचे वाला हो गया दूसरा, दूसरा प्लैंक हो गया, फिर तीसरा नीचे तीसरा प्लैंक दिया गया, और क्या है इन प्लैंक्स को जोड़ करके जो है बोट का शेप दिया गया है. ओके तो ये जो प्लैंक बिल्ट बोट होती है वो इस तरीके से लकड़ी को अलग अलग जो लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं उनको जो है मेनली आपस में ज्वाइंट करके जो है बनाया जाता है, और मेनली इसका लार्जली यूज किया जाता है केरला में. हाँ द प्लैंक बिल्ट बोट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, कई टाइप्स के होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर करके जो है इनको जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है. द बोट कहीं पर इसको चांदी नौका कहते हैं, कहीं पे नाव कहते हैं, ओके कहीं पे डिंगीज कहते हैं. हाँ तो जैसे अगर हम देखें उड़ीसा, उड़ीसा में जो आपकी चिल्का लेक है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर इसको जो है क्या कहते हैं नाव कहा जाता है. अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर वहाँ पर इसको डिंगी कहा जाता है, और गुजरात में भी ये यूज़ होता है, और वहाँ पर इसको मछुआ टाइप ऑफ बोट कहते हैं, मछुआ टाइप ऑफ बोट के नाम से ये जानी जाती है. ओके नेक्स्ट आ गया आपका बछरी बोट. बछरी बोट क्या है कि जैसे कि आपने फर्स्ट ये फिगर देखा है ये बोट उसी से काफ़ी मिलती जुलती है. एक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो आपका बछरी बोट है इसका जो बेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा डीप बनाया जाता है, और उस डीप उस बेस में जो है वाटर भरा जाता है, और उस वाटर में जो है जो भी आपकी फिशेस कैच की गई हैं उनको रखा जाता है. मेनली ये बोट का क्या मकसद होता है कि जो भी फिशेज हैं वो लाइव कंडीशन में जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको पहले यूज इसलिए ये बनाया जाता है. ओके मेनली जो है जो क्या कहते हैं जो फिशेज हैं आपकी इसमें चन्ना स्पीसीज है, क्लेरियस बैट्रेकस या फिर और भी को, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यही सब स्पीसीज आप उसमें रख सकते हैं. जो भी अगर आपको फिशेज को लाइव कंडीशन में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो है ये बोट यूज़ की जाती है. नेक्स्ट तो ये अभी तक जो भी आपने पढ़ा ये क्या थी आपकी नॉन मैकेनाइज्ड बोट थी. आपका इसके बाद आता है मैकेनाइज्ड बोट. अब जैसा कि नाम से ही जाना जाता है इसमें क्या होता है मशीन्स का यूज़ होता है. ओके जो मशीन्स का यूज़ होने से क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा दूरी भी तय कर सकते हैं.
ओके देयर हैज़ बीन एडिशन फॉर फर्दर फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनाइज्ड बोट्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ फिशेज फ्रॉम द मिड वाटर दैट इज फिशिंग साइट टू द बैंक. मतलब कि अगर हमने फिशेज को कैच कर लिया है तो ओके तो क्या है मैकेनाइज्ड बोट है तो हम कम समय में ज़्यादा दूरी तक तय करके जो भी हमारी फिशिंग साइट है वहाँ से बैंक तक पहुँच सकते हैं. Then motor machine is fitted to the large boats and a rapid transport action of the fishes is thus obtained. Okay, तो ये अभी तक आपने पढ़ा ये जो है आपकी जो boats होती हैं वो किस किस type की थी और किस किस types की boats जो है आपको कौन कौन से districts में mainly use की जाती है. Next आगे आपका जो है fishing gears. अब क्या है कि कौन कौन से nets हैं जो कि inland water body में जो है यूज़ किए जाते हैं. ओके तो इनका जो है कई टाइप से जो क्लासिफिकेशन किया गया है जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ देयर यूज़. मतलब कि जैसे पॉन्ड्स हो गया रिजर्वॉयर्स हो गया रिवर्स में किस टाइप के नेट्स यूज़ किए जाते हैं. सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी उसमें क्या होता है एक्टिव नेट्स हो गए एंड सेकेंड पैसिव नेट्स हो गए. अब ये एक्टिव और पैसिव क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. सेकंड थर्ड आ गया अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन. मतलब कि कुछ नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं सरफेस पे यूज़ किए जाते हैं कुछ नेट्स हो गए वो मिडिल में यूज़ किए जाते हैं और कुछ नेट्स हो गए वो बॉटम में यूज़ किए जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर डेप्थ भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. सो अब क्या है एक्टिव नेट्स क्या होता है जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक्टिव मतलब कि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं कुछ न कुछ काम होता रहता है. काम क्या होता रहता है कि जैसे कि आप नेट का क्या काम है फिशेस को कैच करना तो फिशेस कैच करने के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि दीज आर मूव्ड बाई मैन पावर्स और मशीन्स. मतलब कि ऐसे नेट्स जिनको कि मशीन की सहायता से या फिर मैन पावर की सहायता से जो है वाटर बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक मूव किया जाता है फिशेस को कैच करने के लिए. ओके तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो रही तो इसलिए ये क्या हो गई एक्टिव नेट्स हो गई. सेकंड आपका हो गया मतलब उसके आगे क्या हो अब क्या है इसमें फ्लोट्स और सिंकर्स होते हैं. किस लिए होते हैं क्या कहते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी जैसे क्या है कि अगर किसी भी नेट को खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेट के दो हिस्से होंगे ना तो दोनों हिस्सों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए और वो कौन सा हिस्सा मतलब नेट नीचे सिंक ना कर जाए इसके लिए जो उसमें फ्लोटर्स भी लगाए जाते हैं. अगर कुछ नेट्स होते हैं जिनको नीचे ड्रैग किया जाता है तो उसके लिए उसमें सिंकर्स भी लगाए जाते हैं ताकि वो नीचे ड्रैग होकर चले. ओके तो ये दो टाइप के होते हैं जिससे कि जो नेट होता है उसके पोजिशन को एडजस्ट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. ओके अब जो आपके एक्टिव नेट्स हैं उसमें कौन कौन से नेट्स आते हैं तो जैसे आगे आपका ड्रैग नेट हो गया बैग नेट हो गया सी नेट हो गया ट्रॉल नेट हो गया ओके स्कूप नेट हो गया. ये कौन कौन से नेट्स होते हैं ये हम आगे की अभी स्लाइड्स में देखेंगे विद पिक्चर्स. ओके ये आपका एक्टिव नेट्स हो गया देन पैसिव नेट. ओके सो दीज रिमेन स्टेशनरी एट द प्लेस ऑफ द एंड द फिशेज मूविंग अराउंड आर कॉट. मतलब क्या है कि ये जो पैसिव नेट्स होते हैं ये एक जगह पे स्टैग्नेंट करके पानी में जो है लगा दिए जाते हैं और फिशेज आकर इसमें जब भी फिशेज इन नेट्स के पास में आती हैं इनके थ्रू क्रॉस होती हैं तो वो इसमें फंस जाती हैं. ओके तो क्योंकि ये जो नेट्स हैं आपका एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हैं ये मूव नहीं कर रहे हैं तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है इनको पैसिव नेट्स कहा जाता है. सेकेंड आपका जो अकॉर्डिंग टू द वाटर बॉडी क्लासिफिकेशन था उसमें कौन कौन से नेट्स यूज होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि पॉन्ड्स में हो गया आपके कास्ट नेट हो गया ट्रैप नेट हो गया हैंड लाइन्स हो गया रिजर्वॉयर्स में फिर कास्ट नेट हो गया गिल नेट हो गया ओके ट्रैप्स नेट स्कूप नेट हैंड लाइन्स और रिवर्स में आपका हो गया अगेन कास्ट नेट आ गया ड्रैग नेट हो गया. मतलब क्या है कि एक नेट को आप कई सारे वाटर बॉडीज में यूज़ कर सकते हो. इसी तरीके से अगर हम एस्चुरीज की बात करें तो वहाँ पर आपके बैग नेट हो गया बैम्बू स्क्रीन और वॉल नेट्स हो गया पर्सी नेट हो गया ड्रैग नेट हो गया. तो इस टाइप के ये जो हैं आपके नेट्स जो हैं अलग अलग वाटर बॉडी में यूज़ किए जाते हैं. ओके अब यहाँ पर कुछ आप लोग फिगर्स देख रहे हैं जो फर्स्ट फिगर है ऊपर से ये आपकी है कास्ट नेट. कास्ट नेट क्या है इसको
फेंक करके जो है किसी भी जैसे रिवर हो गया या फिर पॉन्ड हो गया वहाँ पर जो है उसको फिर मतलब फेंक करके फिशेज उसमें कैच हो जाती है। ये तो काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा इस नेट को, ये इस तरीके से हो गया। सेकेंड फिगर है आपका ड्रैग नेट। ड्रैग नेट जैसा कि मैंने बताया था कि जाल के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को लोग या फिर या तो मैन पावर की सहायता से या फिर मशीन्स की सहायता से इनको पॉन्ड या फिर किसी भी वाटर बॉडी में ले जा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ड्रैग किया जाता है, मतलब खींचा जाता है और उसमें जो है फिशेज जो है आकर फंस जाती हैं। थर्ड हो गया आपका यहाँ पर दिख रहे हैं हुक्स एंड लाइंस। ओके, हुक्स एंड लाइंस क्या है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं दो टाइप की हुक्स एंड लाइंस है। एक क्या होता है कि जैसे वाटर बॉडी में आपने जो है लाइन से लगा दिया, इनको हुक्स को लगा दिया और उसमें क्या है कुछ बेट रख देते हैं चारा, जिसको कि खाने के लिए फिशेज आती हैं और फिर वो उसमें फंस जाती हैं। दूसरी चीज़ हो गई, आप मेनली जैसे सिंगली यूज़ करते हैं एंगलिंग पर्पज़ के लिए, ओके, तो ये भी आपके हो गए हुक्स हो गए एंगलिंग पर्पज़ के लिए, इनको यूज़ किया जाता है। सेकेंड हो गया आपका मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक आपका है टेंगल नेट या फिर इसको स्कूप नेट भी कहा जाता है। इसको सिंगली जो है एक आदमी जो है पकड़ करके जो है किस वाटर बॉडी में क्यों स्कूप किया करता है ना, पानी निकाल पानी वाटर बॉडी में डाल करके फिर इसको ऊपर निकालता है, तो इसीलिए इसको स्कूप नेट कहा जाता है। थर्ड है आपका नेक्स्ट है बैग नेट। अभी ये क्या है, एक बैग के शेप का होता है इसलिए इसको बैग नेट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर बैम्बू स्क्रीन और वॉल नेट। अब क्या है, ये जितने भी आपके ट्रैप्स हो गए या फिर नेट्स हो गए, ये क्योंकि बैम्बू के बने होते हैं इसलिए इनको जो है बैम्बू स्क्रीन और वॉल नेट कहा जाता है। थर्ड नेक्स्ट आपका है जो है ये गिल नेट है। इसमें क्या होता है, ये गिल नेट इस तरीके से वाटर में जो है लगा दिया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। क्या फिशेज जब इनके इनसे क्रॉस होती हैं तो क्या इनके गिल्स जो है वो जो मैच होता है उसमें फंस जाता है, फिर ये जो है ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती हैं। ओके, तो क्योंकि ये गिल को मेनली गिल को पकड़ लेता है फिशेस को, इसलिए जो है इसको गिल नेट कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पर आ गया बीच सीन नेट। ओके, सीन का मतलब क्या मतलब होता है, महाजाल, मतलब कि ऐसा जाल जो मतलब एक नॉर्मल साइज हो गया उससे बड़ा हो गया। हाँ, तो अब क्या हो गया, ये जो बीच सीन नेट मेनली आपका जो जैसे फिगर में देख सकते हैं जो भी बीच एरिया होते हैं वहाँ पर जो है इनको यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्स सीन नेट है। अब इसको पर्स सीन नेट क्यों कहा जाता है, इसका आप शेप देखेंगे तो पर्स के जैसा है ना, तो इसीलिए जो है इसको पर्स सीन नेट कहते हैं। तो अब ये क्या है, जो जितने भी ये सीन नेट होते हैं मेनली ये साइज़ में बड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको जो मैकेनाइज्ड बोट्स होते हैं ट्रॉलर्स होते हैं उनकी सहायता से कैच उनकी सहायता से ऑपरेट किया जाता है। और क्या है, इसमें एक बार में काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो फिशेज हैं वो कैच की जा सकती हैं। तो ये इतना आपका आज का क्लास था फिशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो